पहले इधर में कब्रिस्तान होता था। चाचा जी भी तेल शेल लगा रहे हैं, मेकअप कर लिया है। वीडियो देख रहे सारे दर्शकों को प्यारे मेरी सत श्री अकाल जी। आप देख रहे हो कि अपनी पंजाब टू लद्दाख की यात्रा चल रही है, आज है तीसरा दिन ऑलमोस्ट और हम रुके हुए हैं भोगपुर के अंदर। इधर से आज हमारी जर्नी है जो शुरू कर रहे हैं पठानकोट की, और दूरी है 70 से 80 किलोमीटर की लगभग, और हम उम्मीद है हमें कि शाम तक हम टच कर जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो आसपास कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, और कल से पहाड़ी वाला एरिया शुरू हो जाएगा। पठानकोट का जो हमने लास्ट ईयर रूट लिया था वो रूट इस बार नहीं लेके जा रहे हम, इस बार नया रूट है, बिल्कुल नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, और पठानकोट तक जाना है बस, उसके बाद हम टर्न होके कहीं और रास्ते से सीधा कश्मीर में निकल जाएंगे। मतलब बड़ा खूबसूरत इलाका हमने इस बार चूज़ किया है। फिलहाल चाय पीते हैं एंड थोड़ा बहुत अपने पास खाने पीने के लिए खा पी लेते हैं एंड फिर अपने सफर को शुरू करते हैं। मेरा भरा बहुत वधिया लगा मिलकर, ठीक है जी। बागा समय हो चुका है 10:23, पठानकोट की दूरी इधर से 71 किलोमीटर है, ये श्रीनगर 480, पठानकोट तक का टारगेट है अपना 71 किलोमीटर, देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सुबह से हमने कुछ खाया पिया नहीं है, फिलहाल कहीं पर रुकते हैं, भोजन करते हैं अपना एंड फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो लग चुका है अपने सुबह का भोजन यार, एंड आलू गोभी की सब्ज़ी ऑर्डर की है, साथ में है तंदूरी रोटी है। भोजन करते हैं फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। आज मौसम ठंडा है, उम्मीद है कि हम 70 किलोमीटर निकाल लेंगे। हमने एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम है टांडा, उसके बाद दसुआ, फिर पठानकोट, तीनों यही रास्ते पे हैं। हाईवे नंबर 44 नेशनल हाईवे के ऊपर अपना सफ़र है जो चल रहा है। यही हाईवे जब मैंने साउथ का अपना ट्रिप किया था, यही हाईवे अपने साथ साथ चल रहा था। यही हाईवे जिसको बोला जाता है कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला हाईवे, ये नीचे तक जाता है सीधा हाईवे नंबर 44, और साथ में बदल भी जाता है, नाम भी बदल जाते हैं, बट रहता यही है। फिलहाल खाना पीना बढ़िया वाला अपना हो चुका है एंड आगे की ओर जर्नी अपनी कंटिन्यू चल रही है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यार टांडा के अंदर, और इधर में अपने एक लक्की भैया रहते हैं और दुबई में है, तो उनसे अपनी बात हो रही थी, तो उनके पिताजी मिलने के लिए आए हैं। तो बापू जी सत श्री अकाल जी। तो बापू जी के साथ हम बैठे थे, 15-20 मिनट हो गए और बातें चल रही थी, बड़ा अच्छा लगा। और भाई अभी बाहर हैं इंडिया से, तो भाई बोल रहे थे कि मैं अगर इंडिया में होता तो मैं भी आपसे ज़रूर मिलता, भाई के साथ फिर कभी मुलाकात ज़रूर होगी। तो बापू जी अपने खाने पीने के लिए थोड़ा सा सामान लेकर आए थे और साथ में अपने लक्की भाई के दो लड़के हैं। हेलो कर दे एक बार, सत श्री अकाल कर दे, सत श्री अकाल तो कर दे। ये छोटा शर्माता है बेचारा, वो ठीक है अभी वो बोल लेता है फिर भी। तो ठीक है, थोड़ी सी अंकल जी के साथ बातें करते हैं और इसके बाद पठानकोट इधर से 60 किलोमीटर रह गया, 60 के रह गया ना अंकल जी, 60 किलोमीटर रह गए और फिर निकलते हैं धीरे धीरे। तो गर्मी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे धूप हो रही है, आज मौसम अच्छा है तो शुक्र है अपना सफर भी निकल जाएगा। कल तक तुसी बहुत परेशान हुए हो? हाँ जी हाँ, कल बहुत परेशान हुए जी, बारिश करके बहुत ज़्यादा तंग हुए अभी, तो सफर भी नहीं हुआ। 30 किलोमीटर किया कल तो अभी, बस कल तक सारी दिहाड़ी बारिश होती रही है। हाँ जी हाँ सफर जी जी। दस किलोमीटर आगे आकर हम एंटर हुए हैं अभी दसुआ के अंदर, इधर से मुकेरियाँ 16, उसके बाद रह जाएगा कुछ 50 किलोमीटर पठानकोट। अपना भाई पीछे रह गया, शायद उसको किसी ने रोक लिया है, पूछ रहे होंगे कोई, तो इसी वजह से हम इंतज़ार कर रहे हैं। और इधर में एक सब्सक्राइबर भाई हैं, वो भी अपना इंतज़ार कर रहे हैं आगे शहर में, तो उनसे मिलते हुए आगे की ओर सफ़र तय करेंगे। हल्की हल्की सी गर्मी लगनी शुरू हो चुकी है और कल का दिन अपना यही सेम रूट पे सफ़र रहेगा, उसके बाद हम एक नया रूट लेने वाले हैं और वो रूट किसी ने भी नहीं देखा होगा। ओ क्या हाल है भाई जी, क्या हाल है, ठीक हो? पटियाले पटियाले वाले ठीक है भरा, शहर दसुए के अंदर अभी हम एंटर होने वाले हैं और भाई जी साथ साथ चलते जा रहे हैं। भाई बोले कि चलो कहीं पर बैठते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते पीते हैं और बातें करते हैं।
मैं कहा चलो आगे शहर में बैठ जाते हैं क्योंकि शहर के बाहर रुका हुआ था मैं। शहर के अंदर एंटर हो चुके हैं और एक एक भाइयों के साथ अपना नारियल जूस है जो शेयर किया जा रहा है, तो भाई बहुत अच्छा लगा मिलकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई अपना नाम दस दो एक बारी। मेरा नाम सर गुरप्रीत सिंह है, धन्यवाद सर। ओके जी भाई जी, आप? मेरा नाम है जितेंद्र सिंह जी। ठीक है जी, नहीं नहीं आपका पूरा यार अपने सारे भाई हैं और भाई जी स्पेशल 40-50 किलोमीटर से आए मिलने के लिए। भाई बोले आज संडे होता है, वैसे तो घर पे स्पेंड करते हैं, आज स्पेशल तुम लोगों के लिए दिया है, तुमको मिलने के लिए आए हैं, तो भाई बहुत ज्यादा शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए यार। कोई ना, बड़े भाई के बारे में नहीं, नहीं बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर आपके लिए हमारे साथ। बहुत ज़्यादा पैदावार होती है इस एरिया में, दुआबा एरिया पंजाब का इसको बोला जाता है, जलंधर से शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट, जहाँ तक मेरे को पता है 50-50% मैं श्योर हूँ। और इसी के साथ हम अभी पहुँच चुके हैं मकेरियाँ शहर के अंदर, ये वाला मकेरिया है, इसके बाद एक दो छोटी छोटी सिटी और आएंगी, फिर हम पठानकोट एंटर हो जाएंगे। 40 किलोमीटर रह गया पठानकोट शहर मकेरियाँ, और भाई जी हमें इधर तक छोड़ने आया मकेरियाँ शहर तक, तो भाई जी अपने साथ साथ ही चल रहे थे, तो भाई अच्छा लगा यार मिलकर, फिर कभी दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, हमारा सफ़र जाता है इस तरफ, भाई जी जाएंगे इस तरफ गुरदासपुर, 24 किलोमीटर है इधर से। ठीक है भाई, सत श्री अकाल जी। मकेरियाँ शहर क्रॉस करके अभी हम रुके हैं, इधर में लगी हुई हैं भाई तूतक तूतक तूतियाँ, इसको हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं यार, बट हम बचपन में बहुत खाते होते थे भाई, तूतियाँ बोलते हैं इसे, और बड़ी ज़्यादा लगी हुई है भाई, बहुत ज्यादा लगी है, मीठा खाते हैं अभी बैठ के। मलाना ग्रीन भी लगी हुई है और भाई बड़ी टेस्टी है ये, पीछे खाई हुई फ्री का फल है भाई। वाह यार, मीठा खाने को दिल ही कर रहा है, मीठा मिल ही गया, नेचुरल मीठा भाई, थोड़ी लाल वाली खा के देख, खट्टी है और ब्लैक ब्लैक अच्छी है। पीछे चाय पानी के लिए एक ब्रेक ली थी, सोचा कि निकलते हैं, अभी निकलने लगा जल्दबाजी में अपना, उधर में फ़ोन रह गया भाई, अभी फ़ोन लेने गया है लेने क्या गया है, वो पहुंच ही गया अभी, प्यारा सा सनसेट हो रहा है, जल्दी जल्दी निकलते हैं पहली फुर्सत में, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। शाम का समय जो हो चुका है 6:09 ऑलरेडी हो चुके हैं, 6:30 अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, तो चलते हैं जगह ढूंढते हैं कोई रहने की अच्छी सी। ले आया मेरा फ़ोन? ओ वाह यार, नुकसान हो जाता आज अपना। वाह, बच गया। ठीक है चलते हैं, अभी 1.5 घंटा ही हमने राइड किया यार अपनी, और हमें दिखी प्यारी सी खूबसूरत सी एक जगह, तो जितेंद्र भाई अपना पूछने के लिए गया, मनाने के लिए गया उसके मालिक को, अगर मान गया आज की रोटी मेरी तरफ से जितेंद्र भाई को, सामने होटल अगर उन्होंने रहने के लिए जगह दे दी, या तो उनकी छत पे सो जाएंगे या सामने वाली बिल्डिंग में सो जाएंगे, क्योंकि वो बात दूर से देखने को खाली ही लग रही है, 6 गज जमीन ही चाहिए अपने को सोने के लिए, तो सो जाएंगे। भाई गया मनाने के लिए, अगर मना के आता तो ट्रीट मेरी तरफ से। भाई स्पेशल मकेरियाँ से ढूंढते इधर आए हैं। वाह जी वाह, की हाल है भाजी? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, की हाल है बिरे? क्या नाम है आपका? यूबी सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भाई जोराज सिंह जी हैं और वीर जी हैं अपने परमिंदर है भाई, ये रहने वाले मकेरियाँ के। एक चीज खास हम बताना चाहेंगे कि हम इस बार 5 दरिया पार करेंगे, क्योंकि जब भी हम लद्दाख का टूर करते हैं 5 दरिया क्रॉस करने का मौका जरूर मिलता है। सतलुज हमने क्रॉस कर दिया, अभी आगे आएगा ब्यास, उसके बाद चनाब, झेलम, रावी भी हमें देखने का मौका मिलेगा जैसे जैसे हम लद्दाख की ओर बढ़ते जाएंगे। सही गल है, सही है ना? सच्ची अच्छी है। नीचे की तरफ जितना भी एरिया सारा आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा ब्यास रिवर का एरिया, इधर से ब्यास रिवर गुजरती है, एंड सामने की तरफ जाते हैं तो पठानकोट जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा आ जाता है, अभी हम पंजाब के अंदर ही हैं, और इधर वाली साइड अगर हम ब्रिज क्रॉस करके उधर चले जाते हैं वो सारा हिस्सा आ जाता है हिमाचल प्रदेश का, इधर में हिमाचल प्रदेश सीधा चले जाएंगे, 25-30 किलोमीटर बाद जम्मू एंड कश्मीर शुरू हो जाएगा, और ये अभी हम पंजाब की तरफ। फाइनली 1 घंटा पूरा इंतज़ार करने के बाद, दर बदर भटकने के बाद हमें जगह मिली है, 7:05 हो चुके हैं,
और हमें जगह मिली है इधर में रहने के लिए। ये इधर में दुकानें हैं भाई बंद पड़ी हैं और इधर में लगे हुए हैं शेड। और पीछे किसी से पूछा था यार कि कोई जगह मिल जाएगी खाली, पार्क पुर्क होगा कहीं पर हम टेंट लगा लें, वो बोले नई दुकानें बनी हैं, पहले इधर में कब्रिस्तान होता था, डरा दिया भाई ने। मैं कहा यार कोई बात नहीं, बोले पहले कब्रिस्तान होता था इधर में पुराने समय में, अभी तो दुकानें बन गई हैं, किसी की ज़मीन है। मैं कहा चल सो जाएंगे कोई बात नहीं, अगर कहीं पर चीता जली होगी हम उसके ऊपर सो जाएंगे और क्या ही कर सकते हैं, टेंशन नहीं है, परवाह नहीं लेनी है। हाँ परवाह नहीं करने का। और साथ ही में अच्छी बात ये होगी कि इधर में है ये ट्रक खड़े हैं और उधर में है ढाबा, वो जो कमरा सा है उसके पीछे ढाबा है, खाने पीने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, सोने के लिए हम इधर मज़े से आज रात गुजार लेंगे अपनी। ठीक है जितेंद्र सिंह जी, दोनों साइकिल अपने सामने खड़े हो चुके हैं, दोनों टेंट लग चुके हैं, भाई निकाल रहा है अभी साबुन, हम जा रहे हैं नहाने के लिए वो ढाबे के ऊपर। पहले हमने सोचा था कि सनी देओल वाला इधर में नलका लगा हुआ है, नलका गिर गिर के पानी निकाल लेंगे, बट नलका जम गया यार, चल ही नहीं रहा इसको, फिर उधर जाना पड़ा हमें, उधर चलते हैं। चलो भाई साबुन निकाल ले, डिटॉल भाई सामान बाहर है। तो भाई इसी के साथ नहा भी लिए हैं यार, बड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी सुबह से, खज्जल खवारी हुई पड़ी थी अपनी तो यार, तंग। हाँ मौसम चेंज हो गया, गर्मी ज़्यादा लगने लगी है, नहा लिए हैं ढाबे के ऊपर, चाचा जी भी तेल शेल लगा रहे हैं, मेकअप कर लिया है। किधर जाएगी गाड़ी अभी आपकी? हरियाणा। हरियाणा ठीक है। रात्रि का भोजन लग चुका है, गर्मा गर्म मिक्स वेज मंगा लिए हैं और साथ में तवे वाली रोटियाँ खाते हैं अपना भोजन। एंड इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना भाई, लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, बाय बाय।